हमारे पास काफ़ी सारे पौधे होते हैं जो हैवी फीडर प्लांट्स होते हैं उनको टाइम टाइम पे फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत होती है जैसे आप रोज़ को देख सकते हो हाइबिस्कस जिसको आप गुड़हल भी कहते हो उसको भी फीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और ऐसे ही काफ़ी सारे और भी पौधे होते हैं जिनको रेगुलर हमें खाद देनी होती है इसीलिए दोस्तों आज मैं आपको ऐसे चार लिक्विड फर्टिलाइज़र बताऊँगा जो नर्सरी वाले भी यूज़ करते हैं काफ़ी बार मैंने उनसे पूछा भी है दो चार जो नर्सरी वाले कहते हैं कि हम ये यूज़ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट उन्होंने ने अपने ओपिनियंस दिए हैं सभी फर्टिलाइजर मैं आपको इसमें बताऊंगा जिसके साथ अगर आपके पौधे में जो बर्ड फॉल हो रही है जो इसकी कलियाँ खिलने से पहले जड़ रही हैं या फूल नहीं आ रहे हैं वो भी सॉल्व हो जाएगा हमारे पास सबसे पहला फर्टिलाइजर है लिक्विड फर्टिलाइजर जिसमें हम पहले क्या करेंगे अगर आपके पौधे में जो कलियाँ हैं वो खिलने से पहले गिर रही हैं उसके लिए और अगर आपके पौधे में बुशी ग्रोथ नहीं है उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते मेरे पास एक बाउल में जो चाय पत्ती है चाय पत्ती दोस्तों अगर आपने यूज़ की हुई लेनी है तो इस क्वांटिटी से आप डबल लें मतलब दो टीस्पून मैंने यहाँ पे चाय पत्ती ली है जो यूज़ की हुई नहीं है अगर आपके पास यूज़ की हुई है वहाँ पे आप फोर टीस्पून इसके ले सकते हैं जो चाय पत्ती है दोस्तों इसमें बहुत सारे माइक्रो माइक्रोन्यूट्रेंट्स पाए जाते हैं जो हमारे पौधे की जो लीफ़ी ग्रोथ है उसको ज़्यादा इन्हेंस करता है और पौधे में जो ग्रीन कलर है वो ज़्यादातर लेकर आता है ये एक तरह की लीव कंपोस्ट ही आप मानिए क्योंकि ये चाय पत्ती के जो पत्ते होते हैं उससे ही ये बनती है और जिसके कारण इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और हमारे पौधे में नाइट्रोजन की मात्रा भी ये जो चाय पत्ती है बढ़ाने में मदद करती है इसको आप गुलाब में स्पेशली डाल सकते हैं क्योंकि उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहती है इसी के साथ दोस्तों हम एक दूसरी चीज़ इसमें डालेंगे जो है प्याज के छिलके ये दोस्तों कोई भी फर्टिलाइजर के साथ आप कंबाइन कर सकते हो क्योंकि इसमें भी बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं काफ़ी बार अगर आपने देखा होगा आपके पौधों के जो पत्ते हैं वो पीले पड़ जाते हैं या फिर उसमें जो ग्रोथ है वो रुक जाती है एक टाइम पर आकर उसको ज़्यादा दोबारा से इन्हांस करने के लिए शुरू करने के लिए हम जो ये ऑनियन पील्स हैं या फिर प्याज के छिलके हैं ये ले सकते हैं यहाँ पे मैं आप कह सक कह सकता हूँ ये तीन चार प्याज के छिलके हैं जो आप इसमें डालिए और इसको बढ़िया तरीके से मिक्स कर दीजिए अभी दोस्तों ये फर्टिलाइज़र को यूज़ करने से पहले आपको कम से कम छः घंटों का वेट करना पड़ेगा इसको फर्मेंट करवाना पड़ेगा जिसके साथ जो भी न्यूट्रिशन वैल्यू है इसकी सभी इस लिक्विड में आ जाएगी जिसको हम कोई भी पौधे में डाल सकते हैं इसको आपने क्या करना है जो प्याज के छिलके हैं इसमें उसको बढ़िया तरीके से मिक्स कर लें क्योंकि वो वेट में बहुत हल्के होते हैं और कभी कभार ऊपर ही फ्लॉट करते रहते हैं कम से कम छः घंटों के रखने के बाद आपके जो पौधे में जो फर्टिलाइज़र डालने के लिए तैयार हो जाएगा और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा आपको जब इसका कलर चेंज लगे तो आप क्या कर सकते हैं जितना आपने फर्टिलाइज़र लिया है आप कह सकते हैं एक वन इन टू फोर रेशो में आपने ये फर्टिलाइज़र अपने पौधों में डालना है जैसे आपने टू फिफ्टी एम एल पानी लिया है और उसमें आप फिफ्टी एम एल जो ये फर्टिलाइज़र है मिक्स करके अपने पौधों पे डाल सकते हैं और फॉयलर स्प्रे भी इसका बना सकते हैं इसी साथ दोस्तों हमारा दूसरा फर्टिलाइज़र है जो बहुत बढ़िया तरीके से आप घर पर बना सकते हैं जिसके साथ पौधों में जो ग्रीन ग्रोथ है फ्लावरिंग है एक साथ आएगी और अब पौधे में कम से कम जो बीमारियां लगेंगी उसके लिए हमें सबसे पहले क्या लेना है वो है एप्सम सॉल्ट एप्सम सॉल्ट दोस्तों मैग्नीशियम ज़्यादातर इसमें पाया जाता है और इसको पौधों पर यूज़ करना बहुत बढ़िया माना जाता है अगर आप अपने पौधे को ट्रांसप्लांटिंग करते हो उस वक्त ये ट्रांसप्लांट शॉक से भी बचाता है और दूसरी चीज़ जो हमारे पास है वो है पोटाश जिसको हम जीरो टी के नाम से जानते हैं इसमें भरपूर मात्रा में पोटाशियम पाई जाती है जो हमारे पौधों में अगर कलियाँ बनती हैं वो बढ़िया खिलती हैं अगर आपके पौधे बहुत बढ़िया तरीके से फूल देते हैं वो सबसे ज़्यादा इसमें अगर आपका पौधा ये चीज़ ले रहा है उसके साथ पौधे में और ज़्यादा बढ़िया फूल आएंगे नहीं तो आपके पौधे में अगर इसकी कमी होगी तो पौधे की जो कलियाँ वो जड़ना शुरू कर देंगी आप कह सकते हैं मैंने एक टी स्पून यहाँ पे जो पोटाश ली है एक टी स्पून मैंने यहाँ पे एप्सम सॉल्ट लिया है इसको मिक्स करके हम अपने दो लीटर पानी नी में डाल देंगे हालांकि मेरे पास एक लीटर पानी है इसलिए मैं इसकी आधी क्वांटिटी ही इसमें डालूंगा और इसको बढ़िया तरीके से आपने मिक्स करना है और रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पहले से ही वाटर सॉल्युबल उस पे लिखा हुआ होता है साथ में आप इसको आप कह सकते हैं 50 50 ml हर एक पॉट में डाल सकते हैं पॉट की जो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए जो डेप्थ होनी चाहिए पॉट की वो कम से कम एट टू टेन इंचेस होनी चाहिए अगर आप फिफ्टी एम डालना चाहें और सभी जो मैं फ़र्टिलाइज़र बता रहा हूँ इनको यूज़ करने के लिए कम से कम पच्चीस दिनों का गैप जरूर रखें चाहे मानसून का सीज़न हो चाहे कोई भी सीज़न हो गर्मियों का सर्दियों का हर एक सीजन में आप इसको डाल सकते हैं और हमारे पास इसी साथ अगला फर्टिलाइज़र है फर्टिलाइज़र नंबर थ्री जिसमें हमने एन पी के एटीन 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 ली है और इसके साथ मैं एक और चीज़ लूँगा पहले मैं एन पी के एटीन 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 का जो एप्लीकेशन समझा देता हूँ जो एन पी के होती है दोस्तों ये ओवरऑल ग्रोथ को बहुत ज़्यादा बढ़िया करती है जैसे यहाँ पे इन्होंने फ़ोटो में भी दिखाया हुआ है कंपनी की तरफ से अगर आपके पौधे में फल नहीं बन रहे हैं या फिर पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं या इसका जो पौधे की शेप है वो बढ़िया तरीके से नहीं बढ़ रही है तो इसके लिए एन पी के एटीन 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 जो इक्वली बैलेंस्ड होती है बैलेंस जो हमारे पौधे में करती है वो हम यूज़ कर सकते हैं इसी साथ मैंने क्या किया हुआ यहाँ पर सी वीड एक्सट्रैक्ट लिया है जो कि एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है इसका दोस्तों क्या फंक्शन होता है वही जो माइक्रोन्यूट्रेंट्स की कमी होती है वो पौधों में काफ़ी बार हमें दिखती है और हमें पता नहीं चलता कि हमें कौन सा फर्टिलाइजर डालना चाहिए जिसके लिए आप एक सोल्यूशन है कि सीविड फर्टिलाइजर डालें सीवीड फर्टिलाइजर में दोस्तों जो गले सड़े पौधे होते हैं समुन्द्र के नीचे उन सभी जो पौधों का डिकम्पोजिशन हुआ होता है और जिसके कारण जो हमारा फर्टिलाइज़र है वो बनकर तैयार होता है यहाँ पे आप कह सकते हैं मैंने दो ग्राम के आसपास जो एन पी के ली है और इसको आप पहले थोड़ा सा मिक्स कर लें पानी के साथ और इसके बीच में डाल दें और साथ में हमने जो सीविड फर्टिलाइज़र है उसकी कम से कम सात या आठ ड्रॉप्स एक लीटर पानी में डाल देनी है यहाँ पर आप देख सकते हो जो इसका कलर होता है वो ब्राउन सा होता है जैसे डिकम्पोजिशन के बाद खाद का भी हो जाता है वैसी इसका जो ऐसा कलर हो जाता है और इसका आपने सेवन टू एट ड्रॉप्स एक लीटर पानी में डालकर कोई भी पौधे पे डाल सकते हैं चाहे आप इसकी फॉयलर स्प्रे भी कर सकते हैं फॉयलर स्प्रे में दोस्तों आपको स्प्रेयर में ये लिक्विड भरना और सभी पौधों के जो पत्तों पर डाल देना होता है जिसके साथ पौधे को वही अच्छा फायदा मिलता है जो, जो आप मिट्टी में अगर डालोगे तब मिलेगा यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इस बकेट में ग्रो किया हुआ है पॉर्चुला का जिसको मॉसरोस भी बोल देते हैं इसकी बढ़िया फ्लावरिंग के लिए मैं ये फर्टिलाइजर डालूंगा और जिसके कारण जो पौधा है वो बढ़िया तरीके से ग्रोथ भी करेगा और इसमें नई नई ब्लूम्स भी खिलती रहेंगी और दोस्तों हमारा जो फोर्थ फर्टिलाइजर है उसमें मैं आपको बताऊंगा अगर आपके पौधे में जो बढ़िया ग्रोथ नहीं हो रही है या फिर आपके पौधे में जो फूल का रंग अच्छे से नहीं आ रहा है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं मस्टर्ड के एक फर्टिलाइजर जो बहुत सारे नर्सरी वाले यूज करते हैं सबसे पहला इसका कारण है कि ये एक चीप सोर्स है सस्ता आता है पच्चीस या तीस रुपए के जी मिल जाता है और दूसरा कि इसके साथ जो पौधा है बहुत बढ़िया तरीके से चलता रहता है इसको गर्मियों में भी यूज़ कर सकते हैं पर थोड़ी सी क्वांटिटी कम करें जैसे मैं अभी आपको बताऊंगा जो अगर आप सर्दियों में यूज़ करेंगे तो ये वन ऑफ द बेस्ट फर्टिलाइज़र है गर्मियों में यूज़ करने के लिए दोस्तों आपने क्या करना है करीब बीस ग्राम मस्टर्ड केक है जो हम सरसों की खली कहते हैं वो लेनी है इसमें आप पर पाउडर फॉर्म लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा जो अच्छे से घुल भी जाता है और कम समय लेता है फर्मेंटेशन के लिए इसको आपने क्या करना है 20 ग्राम एक लीटर पानी में डालना है इसको अगर आप डालना चाहें तो याद रखें जब भी मस्टर्ड केक लें तो अच्छी क्वालिटी का लें और ज़्यादा पुराना ना लें यहाँ पे हमने क्या करना है 20 ग्राम इसमें डालकर और कम से कम 8 घंटों के लिए फ़र्मेंटेशन के लिए रख देना है जिसके साथ सभी न्यूट्रिशन वैल्यू जो माइक्रो न्यूट्रेंट्स हैं नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटाशियम मेजर एलिमेंट्स हैं वो भी इसमें होते हैं जो इसमें आ जाएंगे जो हमारे पौधे को बहुत अच्छा फ़ायदा भी पहुँचाएंगे और इसी के साथ दोस्तों आप और भी चीज़ें डाल सकते हो जैसे अगर आपके पास कोई सब्ज़ी के छिलके हैं उनको आप डाल सकते हो या फिर जो प्याज की छिलके हैं वो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहते हैं क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा प्लांट्स के लिए न्यूट्रिशन वैल्यू पाई जाती है और दूसरे माइक्रो न्यूट्रेंट्स जो हमें पता भी नहीं होता कि पौधों को चाहिए वो भी इसमें होते हैं जिसके साथ जो पौधे हैं वो हरे भरे रहते हैं और उनमें कम से कम बीमारियाँ लगती हैं और उनका इम्यून सिस्टम है वो भी स्ट्रॉन्ग रहता है इसको हमने मिक्स करके रख दिया है और छः घंटे के बाद हम देखेंगे कि इसमें कैसा जो कलर है थोड़ा सा डार्क हो जाएगा और जो मस्टर्ड केक है वो नीचे को बैठने लग जाता है उस उसको पहले बढ़िया तरीके से मिक्स कर लें और बाद में आप देखेंगे जो आपका मस्टर्ड के फर्टिलाइज़र है वो थोड़ा सा डार्क कलर का हो जाएगा ये आप देख सकते हो इस बाउल में मैंने पहले ही बना के रखा था और दूसरा मैंने अभी बनाया था वीडियो के लिए और इसको हम अभी क्या करेंगे हम अपने पौधों में डाल सकते हैं डालने से पहले दोस्तों इसको डिलीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चाहे आप दूसरे फर्टिलाइज़र को थोड़ा सा कम पानी दें पर इसमें पानी डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसका भी वन इन फोर रेशो लेंगे जैसे आप कह सकते थ्री पार्ट मैंने वाटर का लिया है और एक पार्ट मैंने मस्टर्ड केक का लिया है और इसको बढ़िया तरीके से मिक्स करके कोई भी पौधा है फ्लावरिंग प्लांट है नॉन फ्लावरिंग प्लांट है सभी में डाल सकते हैं स्पेशली रोज़ प्लांट या फिर हाइबिस्कस प्लांट इसमें आप बीस पच्चीस दिन बाद ये फर्टिलाइज़र है उसको यूज़ कर सकते हैं और जिसके साथ पौधों में बहुत ज़्यादा कलियाँ आएंगी और पौधों में जो फूल हैं वो खिलते रहेंगे कभी भी रुकेंगे नहीं और इसी साथ दोस्तों ऐसे फर्टिलाइज़र आपको ज़रूर डालने चाहिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को भी शेयर एंड लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए जाइएगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करते